الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहें। तो माशाल्लाह जी आज जुम्मा तक मुबारक का दिन है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मूँगी, क्योंकि मोहम्मद कबीर आज जुम्मे का दिन था। मोहम्मद कबीर आ गया है घर पर, पढ़ के टाइम से आ गया था, 12:30 बजे वो घर आ गया था। हदीका नहीं आई, वो शाम को आएगी 5 बजे, क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं तो वो शाम को आती है, तैयारी वगैरह करती है वहाँ पर, तो शाम को आती है वो। तो इस जगह बैठकर मैं मिसाला वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि साया यहाँ पर आ गया। अब काफ़ी धूप है तो धूप पर बैठा नहीं जाता, यहाँ पर बैठकर मैं मिसाला वगैरह बना रही हूँ। चूल्हे पर भी धूप होती है, अब साया आ चुका है चूल्हे पर, तो मैं खाना वहाँ पर तैयार कर लूँगी। अब मैं इसी तरह रूटीन बना लूँगी कि जब साया आ जाए चूल्हे पर भी और इस जगह पर भी, तो फिर हम वीडियो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी आयल गरम हो गया, तो अब इसके अंदर प्याज डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो सादा सा बिल्कुल होता है, बिल्कुल सादा सा,
देहात का खाना होता है हमारा। अगर आपको आप हम आपके साथ आप रोजाना की जो रूटीन होती है आपके साथ ब्लॉग होता है हमारा, आपको आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दे। अभी हफ्ता 10 दिन परेशानी होगी आग जलाने में, क्योंकि लकड़ियाँ अभी गीली हैं कुछ भी, लेकिन अब माशाल्लाह दिन बहुत अच्छे निकल रहे हैं तो लकड़ियाँ खुश्क हो जाएंगी तो फिर आग जलाने में आसानी हो जाएगी। तो माशाल्लाह जी प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं तो इसके अंदर टमाटर मिर्च अब डाल देती हूँ। माशाल्लाह जी मिसाला भुनाई हो चुका है, अब खुश्क मिसाले डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी कलवंजी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मिर्च जल ना जाए। माशाल्लाह जी खुश्क मसाला भी पक चुका है, अब इसके अंदर दाल डाल देती हूँ। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था तो माशाल्लाह दाल बहुत ही अच्छे से नरम हो चुकी है, क्योंकि मूंगी की दाल जो होती है वो जल्दी नरम हो जाती है। जब तक दाल की अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही भुनाई करूंगी मसाले में। तो माशाल्लाह जो इसके अंदर पानी था वो सारा खुश्क हो गया, अब इसको थोड़ा सा नरम होने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से सही से नरम हो जाए। तो इस पानी के अंदर ये अच्छे से नरम हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर देखूंगी कि मुकम्मल गलाने के लिए कितना पानी की जरूरत है, फिर जब ये पानी खुश्क हो जाएगा फिर बाद में जरूरत होगी तो पानी डालूंगी। सालन हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला सबसे पहले, हरी मिर्च और हरा धनिया, काली मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मिर्चें बिल्कुल बराबर हैं। देख जी मैंने चढ़ा दिया, इसमें पानी है तो इसमें मैं उबाल रही हूँ चावल, तो चावल भिगो के मैंने रख दिए। कबीर के बाबा ने कहा कि दाल बनी है तो मुझे चावल उबाल के दें, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा उबाल लेते तो बच्चे भी खा लेंगे तो कबीर के बाबा भी खा लेंगे। रख दो बैग, बैग है ना मेरे बेटे ने उठाया हुआ है, चलो जाओ रख दो। पानी उबल चुका है, पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक पहले डाल दिया था, मैंने आपको नहीं दिखाया, तो माशाल्लाह पानी भी मुकम्मल उबल चुका है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल टोटा चावल है, बिल्कुल छोटे भी इतना नहीं है, सही है साइज में। तो ये हमने खरीदे नहीं है बाजार से, ये हमारे गांव में काश्त हुए तो हमें वहीं से मिले हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी चावल उबल चुके हैं। बस जी दो तीन रोटियों का आटा है और ये मैं लगा लूँ तो उसके बाद फिर खाना खाते हैं। माशाल्लाह जी रोटियां मैंने लगा ली हैं, अब सालन डाल के सालन आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है हमारा सालन। तो चावलों की खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है, क्योंकि छोटा चावल है लेकिन है खुशबूदार चावल, बहुत ही अच्छा चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी चावल बहुत ही प्यारे बने हैं, खिले खिले से बने हैं। मुझे तो डर था कहीं ये ज़्यादा नरम ना हो जाएं, मुझे यही डर था क्योंकि चावल था बिल्कुल छोटा, तो मुझे डर था कि कहीं ये बिल्कुल गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी सालन भी बहुत मजे का बना हुआ है और चावल भी मजे के हैं। तो सालन के साथ चावल बहुत ही मजे के और टेस्टी लग रहे हैं। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो।